आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और टीकाकरण की समीक्षा। धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ को रोकने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने की पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। चुनाव को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। बहुचर्चित पूर्व प्रधान ब्रिजेश सिंह हत्याकांड का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आला कत्ल व घटना में प्रयुक्त वाहन किया बरामद। अभी 2 अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से हैं दूर। फरार अभियुक्तों पर एसएसपी ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। धर्मशाला सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। नहीं हुई कोई जनहानि, जिला अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी। कोविड-19 टीका उत्सव में शामिल हुए सदर सांसद रवि किशन। कहा, पूरे उल्लास के साथ 116 केंद्रों पर किया जा रहा है टीकाकरण। नागरिकों से की अपील। कहा, अवश्य लगवाएं कोविड का टीका, रहें सुरक्षित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में बनाए गए 4,654 पोलिंग बूथ, जिसमें से कर लिया गया है संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान। शांति और निष्पक्ष चुनाव को कराने के लिए कटिबद्ध है जिला प्रशासन, एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। गोरखपुर में रविवार को मिले 438 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,874। अब तक 374 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 2,041 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रात्रि कर्फ्यू पर बोले एसएसपी दिनेश कुमार पी। कहा, 50 जगहों पर की जाएगी बैरिकेडिंग, लगेगी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। नागरिक भी करें रात्रि कर्फ्यू का पालन। 12 अप्रैल को होने वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह को लेकर रविवार को किया गया रिहर्सल। समारोह का कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा ऑनलाइन अध्यक्षता। 51 मेधावी होंगे स्वर्ण पदक से सम्मानित। जनपद में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बोले एसएसपी दिनेश कुमार पी। कहा, पीएससी के साथ पैरा मिलिट्री रखेगी चुनाव पर नजर। असामाजिक और अपराधियों पर कसेगा सिकंदा। जनपद में लग रहे रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट ने महेवा मंडी के आढ़तियों के साथ की बैठक। फुटकर बिक्री पर लगाई रोक। आढ़तियों से की अपील। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर करें बिक्री। जनपद में जिला अस्पताल सहित 116 केंद्रों पर 45 से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, 50,000 वैक्सीन पहुंचा गोरखपुर। लगातार चल रहा है वैक्सीनेशन का काम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनएक्सी भवन में आखिरी दिन दिया गया प्रशिक्षण। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 15 अप्रैल को अपने बूथ पर पहुंचकर कार्मिक संपन्न कराएंगे मतदान। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर हैनीमैन के जन्म दिवस पर चिकित्सा शिविर एवं गोष्ठी का किया गया आयोजन। चिकित्सकों ने कहा, होम्योपैथिक है पूरी तरह सुरक्षित। काशी के गंगा आरती के तर्ज पर राप्ती तट स्थित प्रभु श्री राम घाट पर हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में आयोजित हुआ गंगा राप्ती महाआरती। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। टेंट व्यापारी परिवार के बैनर तले एकत्र हुए व्यापारियों ने सरकार से की मांग, रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ाकर 12 बजे तक किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरख प्रांत 13 अप्रैल से चलाएगा भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान। भूमि सुपोषण को बढ़ावा देने का किया जाएगा कार्य। विवेकानंद सेवा मिशन परिवार की ओर से रविवार से शुरू हो रहे श्री गौ कथा के आयोजन से पहले मुक्तेश्वरनाथ महादेव मंदिर से निकाला गया भव्य कलश यात्रा। शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में रविवार को खेले गए मैच में स्टार स्पोर्ट्स क्लब भगवानपुर ने राजपूत स्पोर्टिंग क्लब पीपीगंज और पूर्वांचल एफसी ने एमबीएफसी बदौली को दी शिकस्त।